रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा व नवीन जिंदल के मामले को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर मायावती ने कहा कि यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर विध्वंस व अन्य देशद्रोह आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने एवं भय व आतंक का जो माहौल बना रही है यह अनुचित व अन्यायपूर्ण है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की देश दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। वहीं आपको बता दें कि मायावती ने आगे लिखा, जबकि समस्या की मूल जड़ नूपुर शर्मा व नवीन जिंदल है जिनके कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ व हिंसा भड़की, उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करके सरकार द्वारा कानून के राज का अपहास उड़ाया गया, आखिर क्यों? दोनों आरोपियों को अभी तक जेल नहीं भेजना घोर पक्षपात व दुर्भाग्यपूर्ण है, तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए नूपुर शर्मा व नवीन जिंदल की, मायावती ने कहा। आपको बता दें कि वहीं जावेद जैसे मामले को लेकर मायावती ने बड़ा बयान दिया, सरकार द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर आपाधापी में किए जा रहे बुलडोजर भिंदस्व कार्रवाइयों में न केवल बेगुनाह परिवार पिस रहे हैं बल्कि निर्दोषों के घर भी ढाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पीएम आवास योजना के मकान को भी ध्वस्त कर देना काफ़ी चर्चा में बना रहा है। मायावती ने इस पर भी कहा कि ऐसी जायदादी क्यों कर रहे हैं बीजेपी वाले। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मायावती ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, नूपुर शर्मा व नवीन जिंदल के मामले को लेकर जिस तरह से इलाहाबाद में प्रयागराज में जावेद का घर ढाया गया उस पर बड़ा बयान दिया है मायावती ने।